शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक 629 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर के टेक्स हैं। आपका जो विषय है वो है राजा नेमी और नौ यज्ञेश्वर संवाद भाग 4। इससे पूर्व भी 3 भाग ले चुके हैं और इसमें भी जो विशेष है वो है माया और माया से पार जाने के उपाय। आज अब चार समय लेते हैं आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को दुर्व्यसनों को आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं, आप हमें उचित मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का आभार, जिन्होंने मुझे पुनः विचार करने का और अपने कुछ विचार आपके समक्ष, जितने भी प्रबुद्ध श्रोतागण हैं इसमें वर्तमान जो भी हैं, हमारे ऋषि जी नेब साहब, कालरा साहब, अखिलेश जी, उन सबको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आगे आने वाले भी श्रोता जो हैं उनका भी स्वागत। विचार चलते चलते ये प्रकरण जो मैंने उठाया श्रीमद् भागवत पुराण का, तो मैं श्रीमद् भागवत पुराण के अधिष्ठाता देवता श्री कृष्ण को भी स्मरण करताय श्री कृष्णाय वयम नमः। वर्तमान जो प्रकरण है वह वसुदेव जी के, नारद जी के लिए वसुदेव जी ने जब प्रश्न किया तो नारद जी ने यह संवाद सुनाया। और नव योगीश्वर हैं तो मैं इन दोनों को भी प्रणाम करता हूं। इस प्रकरण का जो फल है वो यही है कि संसार का भय मुक्त हो जाए, ब्रह्म का हमें साक्षात्कार हो। तो संसार भय मुक्त्यर्थम ब्रह्म भूयाय कल्पनम नव योगीश्वरोभ्यो ही नारदाय नमाम्यहम्। इन सब लोगों को, सत्पुरुषों को, भगवान को प्रणाम करने के उपरांत मैं विषय पर आता हूं। ये जैसा कि आपको मैंने बता रखा है पहले ही, श्रीमद् भागवत पुराण के 11 स्कंध में 2 अध्याय से 5 अध्याय तक 4 अध्यायों में यह प्रकरण है।
नारद जी वसुदेव जी के पास गए, वसुदेव जी ने पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, मोक्ष का साधन बताओ। तो उन्होंने राजा निमि के यज्ञ सत्र में जो नौ योगेश्वर आए, उन्होंने राजा निमि ने जो उनसे प्रश्न किए और उन्होंने जो उत्तर दिए, पुनः आपके समक्ष यह रखता हूं कि उन योगीश्वरों में जो कवि नाम के योगीश्वर थे उन्होंने भागवत धर्म बताया, हरि नाम के योगीश्वर ने भगवत भक्ति के लक्षण बताए। ये दोनों चीजें हम पहले के दो तीन वक्तव्यों में पूरा कर चुके हैं। जो तीसरे स्वरूप बताएंगे और अगले प्रबुद्ध नाम से जो योगीश्वर हैं वो माया को पार किया जाए कैसे बताएंगे, मैं आज प्रयास करूंगा इन दोनों बिंदुओं को विचार करने का, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। अन्य जो योगीश्वर है पिपलायन, उन्होंने नारायण का स्वरूप बताया। आविर्होत्र ने कर्मयोग के बारे में प्रकाश डाला। द्रुमिल ने अवतार भगवान के बताए। चमस ने यह बताया कि जो भगवत भजन नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है। इसी तरह से करभाजन नाम के योगीश्वर ने यह बताया कि काल भेद और भगवान के वर्ण और पूजन विधि क्या है। उसके बाद फलश्रुति बताई गई बाद में, इस प्रकरण को इनमें बताई गई बातों को जो साधक धारण करता है वह मुक्त हो जाता है संसार के भय से। यह इसका होता है, आत्म परमात्मा के पास पहुंचता है, परमात्मा को जानता है, देखता है। यह इस प्रकरण का फल है। जैसा कि आप बार बार सब विद्वान लोग जानते हैं कि लॉर्ड फेयर के वैदिक सनातन का जो अध्यात्म है वह आत्म साक्षात्कार के ऊपर, अपने को जानने के, अपना भय संसार का मिटाने के लिए का प्रयोग करके एक ही उद्देश्य है कि हमारा उद्धार कैसे हो, हम असत्य को कैसे जाने। इसलिए ही यह प्रकरण उठाया गया कि अन्य ग्रंथों में अन्य तरह से लिखा है, इसमें जरा कथानक है तो रुचिकर रूप से लिखा हुआ है। आज श्री बागी जी अभी मुझे लग नहीं रहा अभी उपस्थित हैं। बागी जी ने एक प्रश्न पूछा था, मैं अपने इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले एक बात ये बताता हूं। बागी जी ने ये कहा था कि राजा निमि कौन है, और उन्होंने एक उसका इशारा भी दिया था कि जो पलकों के ऊपर है अदृश्य रूप से है, क्या वो राजा निमि है। तो मैंने इस बारे में देखा इसका थोड़ा सा संक्षेप में बता के फिर मैं प्रकरण पर आता हूं जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण के नवम स्कंध में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का पूरे परंपरा, वंश परंपरा बताई गई। इक्ष्वाकु मनु जो थे, मनवंतर के जो प्रारंभ के करने वाले मनु जो थे उनसे इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र। उनमें तीन जो बड़े बेटे थे उनका बड़ा नाम आता है, विकुक्षी, निमि और दंडक। यहां पर आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि इसी इक्ष्वाकु वंश में श्री रामचंद्र हुए, लेकिन बहुत पीढ़ी के बाद विकक्षु के बाद ब्रह्मांधाता सगर, सगर के पुत्र हुए भागीरथ हुए, फिर धीरे धीरे चलते हुए रघु हुए, अज हुए, फिर जाके कौस हुए, अज हुए, फिर दशरथ हुए, तब जाके राम हुए। तो कई पीढ़ियों बाद नंबर आता। उसी तरह से राजा निमि के बारे में देखिए क्या लिखा है यहां। ये जो कथानक है ये शुरू के राजा निमि के बारे में ही है, और राजा निमि का जनक कैसे नाम हुआ ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस नवम स्कंध के 13वें अध्याय 11वें अध्याय में इस बात का वर्णन है। क्या लिखा वहां पे, यहां ये कहा कि इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, निमि यज्ञ आरंभ करना चाहते थे, तो उनके कुलगुरु जो वशिष्ठ थे। इससे यह भी पता चलता है कि वशिष्ठ एक व्यक्ति ना होकर एक परंपरा है। जनक
एक राजा न होके एक परंपरा है, ये भी सामने आएगी बात, देखिए। तो वशिष्ठ गुरु से उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं, आप जो है मेरे इसका यज्ञ का ब्रह्मा बनिए, इस यज्ञ के करने वाले बनिए। आचार्य अविनाश कृष्ण जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत है। तो वशिष्ठ जी ने यह कहा कि हे निमि, इंद्र ने एक यज्ञ के लिए मुझे वरण कर लिया है। देखिए यहां पर फर्क हुआ कि मनुष्य और देवता, तो यज्ञ मुझे इंद्र ने वरण कर लिया, मैंने हां कह दिया, तो मैं ऐसा करो तो मेरी प्रतीक्षा करो, मैं उस यज्ञ को इंद्र को करा के तब लौटता हूं, तब आपका यज्ञ कराऊंगा। राजा निमि चुप हो गए। वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए, लेकिन आप जानते हैं देवताओं के दिन और रात में और मनुष्यों के दिन रात में बहुत ज्यादा अंतर होता है। यहां तो जब बहुत सारा समय निकल जाता, राजा निमि ने सोचा कि भाई जीवन तो मेरा क्षणभंगुर है, पता नहीं कब लौटेंगे, तो मैं अपना एक जो कल्याण का जो विचार है वो कैसे छोड़ दूं। तो उन्होंने दूसरे ऋतुजों का वर्णन कर लिया, दूसरे ऋतुजों का वर्णन कर लिया। उतने में कुछ समय बाद जब उनका यज्ञ चल रहा था तो वशिष्ठ जी लौटे इंद्र का यज्ञ संपन्न करके। उन्होंने देखा कि निमि ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने श्राप दे दिया। ये कहा कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य पे बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। अब निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह श्राप धर्म के अनुकूल नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले उनको मौका दिया था, तो अब निमि ने भी श्राप दे दिया। इतना श्राप करने की क्षमता रहती होगी पहले के लोगों में। उन्होंने कहा कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, कि आप थे मेरे गुरु थे, मेरे कुल के गुरु थे, और आप अपने लोभ में आप इंद्र के यज्ञ को कराने के लिए चले गए, इसलिए आपका भी शरीर गिर गया। अब जब शरीर गिरने की बात कही तो ये आत्मविद्या में निपुण थे निमि, इन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। उधर वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग। इन कहानियों से यह पता चलता है, कहने को तो बड़ी कथानक है, लेकिन आप ये देखें कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, योगी है, वो शरीर पर उतना ध्यान नहीं देते। जो हुआ ठीक है, शरीर छोड़ दिया। वशिष्ठ जी ने जब शरीर छोड़ दिया तो मित्रावरुण जो देवता थे उनके द्वारा उर्वशी के गर्भ में जन्म ग्रहण किया, तब वो दोबारा से वशिष्ठ के रूप में आए। उधर क्या हुआ, राजा निमि का जब शरीर पात हो गया तो यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ जब चल रहा था तो यज्ञ में तो विधान व्यवधान आ गया। तो उन ऋषियों ने यह किया कि राजा के शरीर को सुगंधित चीज से लेप करके उसको सुरक्षित रख दिया। अब जब यज्ञ समाप्त हुआ तो देवताओं का आह्वान किया गया, ब्राह्मणों ने आह्वान किया, उनके मंत्र में शक्ति होती है और मंत्र के अधीन होते हैं देवता, तो देवता आए। देवता आए तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना की उनसे, ये प्रार्थना की कि यदि देवता लोग आप समर्थ हैं तो, और अगर प्रसन्न हैं हमारे यज्ञ से मंत्रों से, तो राजा निमि का यह शरीर जीवित हो। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। अब राजा निमि की जो आत्मा थी, जो आत्मबल था, चेतना थी, उसने ये कहा कि मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। यहीं पर वागीश जी ने बात कही थी वो पूरी होती है। उन्होंने ये कहा निमि ने कि विचारशील तो मुनिजन तो अपने को परमात्मा में लगा देते हैं, चरण कमलों का भजन करते हैं, और मुझे पता है कि एक ना एक दिन शरीर तो जरूर छूटेगा, तो इसलिए वो शरीर का संयोग भी नहीं करते, शरीर से मुक्त होना चाहते हैं वो, तो इसलिए मैं इस भय और दुख इससे भरे हुए शरीर को धारण नहीं करना चाहता, क्योंकि शरीर धारण करने के बाद मृत्यु ही मृत्यु है। तो उन्होंने कहा अच्छा, देवताओं ने कहा अच्छा भाई मुनियों ऐसा हो, मैं हम कहते हैं कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों में रहेंगे, नेत्रों में रहेंगे, इच्छा अनुसार निवास करेंगे, और वहां सूक्ष्म शरीर से रहते हुए भगवान का चिंतन करते रहें। इनका अस्तित्व ऐसे पता चलेगा कि हमारे प्राणियों की जो पलकें उठेंगी और पलकें गिरेंगी, तो इसका मतलब निमि राजा वहां निवास करते हैं। महर्षियों ने सोच के कुछ कहा नहीं, महर्षियों ने सोचा कि भी राजा नहीं रहेगा शरीर के रूप में तो अराजकता फैल जाएगी, तो वहां पर उसके शरीर का मंथन किया। मंथन करने का कोई साइंटिफिक, मैं समझता हूं कि कोई साइंटिफिक क्रिया रही होगी उनके पास,
इस तरह का विज्ञान उनके पास होगा। तो उससे फिर एक व्यक्ति पैदा हुआ उनके शरीर के मंथन करने से, जिसका नाम हुआ विदेह। मतलब देह नहीं थी, देह ना होते हुए भी, प्राण ना होते हुए भी पैदा हुआ, इसलिए क्या विदेह। और पैदा हुआ इसलिए उसे किया जनक मिथिल। देखिए यहां पर अब जनक राजा की बात आती है। तो उस मिथिल, उसी ने मिथिलापुरी बसाई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये मेरे सामने आई पढ़ने से कि यहां पर पूरा प्रकरण लिखा है कौन किससे पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ। तो लगभग इसमें जितने भी लोग पैदा हुए वो सबके सब आत्मविद्या में, ज्ञान में संपन्न थे, और गृहस्थ में रहते हुए भी, जैसे हमारे देवऋषि जी कह रहे थे, गृहस्थ में रहते हुए भी सुख दुख और आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। तो उन सबको जनक ही कहा गया होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं इसमें 20वीं पीढ़ी में, इसमें पूरे नाम है कि जो निमि के बाद जो जनक हुए उनके शरीर से, उसे उदावसु, नंदी वर्धन इत्यादि इत्यादि कहते। 20वीं पीढ़ी में राजा सीरत ध्वज हुए। सीरत ध्वज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब एक बार हल जोत रहे थे वो, तो उनके अग्रफाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब ये हुआ कि निमि जब हुए और उसकी 20वीं पीढ़ी में लगभग जाके, तब वो जो जनक रामचंद्र जी के समकक्ष थे वो तब हुए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। उसी तरह से विकुक्षी के जो दूसरी इक्ष्वाकु वंश की बात है, रामचंद्र जी भी इक्ष्वाकु वंश के, तो उसमें जो मानधाता सौरभ या भगीरथ या बाद में और जो परंपरा चली उसमें श्री राम हुए। तो इस तरह से ये राजा निमि का मामला है। इनको जनक भी कहा जाता है, विदेह भी कहा जाता है। ये इसमें एक बात सामने, आपके सामने मैंने रखी है। अब चलिए मैं चलता हूं अब आज के प्रश्न पर, वो आज के प्रकरण पर। दो ऋषियों से बात हो गई, योगीश्वरों से। एक ने भागवत धर्म के बारे में बता दिया, एक भगवत लक्षण के बारे में बता दिया। अब बात ये आई कि राजा ने पूछा परस्य विष्णु ईशस्य माइनाम्यपि मोहिनीम मायुम मायाम वेदुत्वम इच्छामो भगवंतो ब्रह्मन्तुना। प्रश्न है, इसका अर्थ यह हुआ कि हे भगवान, सर्वशक्तिमान जो भगवान है उसकी माया सबको मोहित कर देती है। विष्णु ईशस्य, ईशस्य माने शासन करने वाले, इस ब्रह्मांड पे जो शासन करने वाली शक्ति है, उसकी माया जो है सबको मोहित कर देती है। हम उस माया के बारे में जानना चाहते हैं, आप लोग कृपा करके उसको बतलाइए। उन्होंने कहा राजा निमि ने कि मैं तो मृत्यु का शिकार एक मनुष्य हूं, संसार के सारे दुख मेरे अंदर हैं। आप भगवत कथा का, भगवत बारे में चर्चा का अमृतपान हमको करा रहे हैं, आप इस बारे में और बताइए माया के बारे में। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। जब मैं ये पढ़ रहा था तो बहुत से प्रकरण हैं माया को जानने के बारे में। माया को वेदितुम इच्छामि, जानना चाहते। इसी श्रीमद् भागवत पुराण में द्वादश स्कंध है, 12वां स्कंध, वहां पर मार्कंडेय ऋषि ने भी माया को देखने का प्रश्न किया भगवान से। बहुत उन्होंने तपस्या की, वहां नर और नारायण उनके सामने प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा अच्छा क्या चाहते हैं, तो हो गए भगवान आपके दर्शन हो गए, हमें तो और कुछ चाहिए नहीं। फिर भी उन्होंने कहा पूछो, तो उन्होंने कहा अच्छा, द्रक्ष्ये मायाम यया लोकः सपालो भेद सदभिदाम, कि मैं उस माया को देखना चाहता हूं जिससे कि सारा ब्रह्मांड, सारे प्राणी जो हैं वो मोहित हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। मार्कंडेय ने कहा, तो क्या देखा क्या कहा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें अगर मौका लगेगा कि उन्होंने किस तरह से बात कही, लेकिन उन्होंने भी ये प्रश्न किया। जो प्रश्न है उत्तर चलेगा तो फिर बताएं। पहले तो मैं ये पूरा प्रकरण करना चाहूंगा कि जो योगीश्वर हैं उन्होंने यहाँ पर इस प्रकरण में माया के बारे में क्या कहा, फिर और जगह माया के बारे में क्या बात है ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसी तरह से
जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, मुझे दो प्रकरण मुझे याद आते हैं इस समय, एक तो ये मार्कंडेय जी का, और दुर्गा सप्तशती में भी आपने अगर जो भी पढ़े हैं, जो पाठ करते हैं, उस बात को जानते होंगे कि राजा सुरथ और वैश्य जो समाधि, जब इनको घर से निकाल दिया गया, राज्य से च्युत कर दिया गया, तो जंगल में गए तो ऋषि मेधा मिले इनको, और मेधा से पूछा कि हमारा चित्त इतना उद्विग्न क्यों है, मैं तो राज्य चाहता हूं, ये जिन लोगों ने संबंधियों ने सुमेधा को समाधि को निकाल दिया, ये वहां लौटना चाहते हैं। वहां कहा कि दृष्ट दोषे भी विषय मत्वा कृष्ट मानसव, हमें पता है कि राज्य हमारे अपने लोगों ने छीन लिया है, हमें पता है संबंधियों ने ही हमारे सब हमें निकाल दिया है, लेकिन फिर भी हमारी ममता उसमें लगी हुई है। यहां पर महत्वपूर्ण राज्य और संबंधी नहीं है, मेरे विचार से महत्वपूर्ण है ममत्वा कृष्ट मानसव, हम लोगों की भी, मेरी आप लोगों की हो सकता है कम हो ममता, हमारी भी मेरी भी बुद्धि संसार में ही लगी रहती, जब तक यहां पर भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, वक्तव्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा, और जैसे ही यहां से निकलेंगे कोई कुछ कहेगा समस्या, तो फिर संसार के कामों में लग जाते हैं, वहां ममता क्यों खींची हुई है। तब सुमेधा ने यह कहा कि भाई माया है ये, महामाया हरिश्चेसा तया सम्मोहितम जगत, ज्ञानिनां चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये जो महामाया है ये बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी आकर्षित कर लेती है और फिर संसार में लगा देती है इसको, तो ये तो है माया की बात वहां पर आई। यहां पर माया शब्द को भी समझें, शायद मैंने पहले किसी वक्तव्य में कहा होगा, माया को ही समझ लेंगे तो बात समझ में आती है। मां माने नहीं, संस्कृत में मां कहते हैं नहीं, या माने जो, मां नास्ति या अपितु भासते, जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ती है उसे कहते हैं माया। एक माया का और अर्थ होता है संस्कृत में, व्युत्पत्ति जिसे कहते हैं, व्याख्या जिसे कहते हैं, मीयते ज्ञायते अनेनेति माया, वो शक्ति जिसके द्वारा उस परमात्मा का बोध होता है उसको माया कहते हैं, मीयते ज्ञायते अनेन इति माया, क्योंकि ये संसार है तो क्यों है कैसे है ये सब की बात उसे माया से आती है। एक और बात इसमें ये है कि माया का प्रश्न यहां पूछा क्यों राजा ने, मैं इस बात को देख रहा था, तो जब भागवत धर्म के लक्षण बता रहे थे हरि जी, तो उन्होंने एक शब्द ये कहा वहां पर कि हे राजन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी जो व्यक्ति न तो हर्षित होता है न द्वेष मानता है, श्रीमद् भगवद् गीता के प्रकांड विद्वान सामने बैठे हैं अविनाश कृष्ण जी, आपने भी सुना है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, कहीं से भी उठा लीजिए उस बात को, गुणों की बात मैं आगे करूंगा इसमें, तो जो व्यक्ति ये जानता है, अभी देव ऋषि जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी गृहस्थ में रहते हुए कैसे हम जान रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम विषयों को भी देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें इतनी स्थिति हो जाए कि हम प्रतिकूलता में प्रतिकूलता का अनुभव न करें और अनुकूलता में अनुकूलता का अनुभव न करें, तो और क्या समझें। जो बात आई हरि जी ने कहा था, विष्णुर मायाम इदम पश्यन सबई भागवतोत्तमाः, ये तो विष्णु की उस भगवान की माया है बस, तो जो विष्णुर माया इदम पश्यन उन्होंने कहा, इसीलिए यहां पर प्रश्न पूछ दिया, भगवान आपने कहा था कि विष्णु की माया को देखते हुए बताओ विष्णु की माया है क्या। अब मैं आपको पहले अंतरिक्ष ने क्या उत्तर दिए उसके बाद आपके सामने रखा, अंतरिक्ष ने, योगेश्वर अंतरिक्ष ने यह उत्तर दिया, संस्कृत की बात को कम करके संस्कृत का आगे प्रयोग करेंगे, हिंदी में मैं समझाता हूं, उनका जो ट्रांसलेशन है वो ये अनुवाद उन्होंने कहा कि देखो भाई, भगवान की माया है तो अनिर्वचनीय, बताया नहीं जा सकता,
कार्यों जो कार्य किए जा रहे हैं सामने हमारे परिणाम आ रहे हैं, जो दुनिया चल रही है सब उसी से निरूपण होता है। माया के जो भी कार्य है क्या कि जो परमात्मा आदि पुरुष ब्रह्म जो भी शक्ति है उससे शक्ति के संपूर्ण प्राणियों के वो कारण बनते हैं और उनके विषय भोग या मोक्ष की सिद्धि के लिए वो उपासकों के द्वारा ये पंचभूतों से नाना प्रकार के पदार्थों का देव मनुष्य शरीर की सृष्टि करते हैं, उसको माया कहते हैं। यहां पर ही मैं एक बात कहूं, एक शब्द का यहां पर प्रयोग हुआ है आद्यः ससर्ज उच्चावचानी आद्यः स्वमात्रात्म सिद्धये, अपने अस्तित्व के लिए कि भगवान का अस्तित्व है वो कैसे पता चलता है। आद्यस्य, आद्य के दो अर्थ हैं यहां पर, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है आद्य। आद्य का अर्थ होता है आदि परमात्मा ने से जो चीज बनी, और एक आद्य का अर्थ होता है ब्रह्मा। ब्रह्म सूत्र इसमें समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्म सूत्र में जहां पर पहले ये कहा कि पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा ही सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, यहां पर ग्रामर की दृष्टि से आचार्य अविनाश कृष्ण जी इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यतः शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, यतः तीनों लिंगों में एक है, और जो ब्रह्म है वो तो नपुंसक लिंग है, उसी का पर्यायवाची आत्मा पुल्लिंग है और शक्ति जो है स्त्रीलिंग है। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आद्य का जिससे हुआ, मतलब एक तो अर्थ यह हुआ कि हमारी प्रकृति इत्यादि जगत इत्यादि इससे बनी, एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है आद्यस्य ब्रह्मणः, आद्य ब्रह्मा को भी कहते हैं, ब्रह्मा का जन्म जिससे हुआ। अब आप कहेंगे कैसे कह रहे, जिन लोगों ने दुर्गा सप्तशती के पीछे लिखे हुए बागमरी सूक्त को पढ़ा हो, ऋग्वेद का सूक्त है ये, ऋग्वेद के सूक्त में लिखा है जिसमें अहम रुद्रेवी वशविश्चरामि से प्रारंभ होता है। थोड़ा टेक्निकल बात हो रही है, फिर मैं इसे सरल कर दूंगा, जो बात मेरी समझ में आ रही है वो मैं इसको कह रहा हूं इस समय। वहां पर लिखा कि यम काम तम उग्रम रोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम, ब्रह्मा वा शक्ति ये कहती है कि मैं वो परम तत्व के रूप में जो शक्ति है परमात्मा के रूप में, कि मैं जिसको चाहता हूं जिसको चाहती हूं उसको मैं उग्र बना देती हूं, ब्रह्मा को भी बनाती हूं। श्वेता शुद्र उपनिषद में कहा यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा को बनाता है। मुंडक उपनिषद में कहा कि ब्रह्मा देवानाम प्रथम संभव, ब्रह्मा पहले हुआ। कहने का अर्थ यह वह माया भी है जो ब्रह्मा तक का, जिसकी ताकत से जिसके सहारे से परम तत्व ब्रह्मा इत्यादि का भी निर्माण करते हैं। चलिए आगे वो कहते हैं, आगे इस बात को जो गीता में जो लोग पढ़ के आए हैं हम सब लोग पहले जगह जगह, उससे बड़ा मेल खाता है। कैसे आगे कहते हैं, पंचभूतों के बने हुए प्राणी शरीरों में पहले अंतरयात्मी रूप में उन्होंने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद पांच ज्ञानेंद्री पांच कर्मेंद्री मन बनाया, 11 हो गए, 11 चीजों से भोग कराने लगे, और भोग कराने के बाद देहाभिमानी जीव जब हो जाता है वासना के अपने पुराने कर्मों के कारण, तब इस शरीर को ही वो अपना मानने लगता है, यही भगवान की माया है। कहने का अर्थ यह हुआ सरल शब्दों में कि हम जब इस शरीर से आसक्त हो जाते हैं, ये आसक्ति होना ही, अपने स्वरूप को भूलना ही माया है। कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता, शुभ कर्म करता है फल का सुख होता है, अशुभ कर्म करता है या हमें दुख होता है तो हम रोने लगते हैं, फिर सुख दुख के चक्कर में हम अपने अनुसार से अपने काम करने लगते हैं और फिर हम संसार में भटकने लगते हैं, यह भगवान की माया है। ये अंतरिक्ष जी कह रहे हैं, अभी मेरी इसमें बात नहीं है। अब जब वो इस तरह के कर्म करता है तो अमंगलमय कर्म गति को प्राप्त होता है, उनके फलों को प्राप्त होता है, और
प्रलय पर्यंत के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, ये सब होता रहता है, यह भगवान की माया है, ये अंतरिक्ष क्या है। और वो ये कहते हैं, अब उन्हें प्रलय की बात कहते हैं। प्रलय की बात बड़े अच्छी अच्छी तरह से बताई, ये भी समझनी चाहिए कि जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि अनंत काल स्थूल सूक्ष्म द्रव्य सृष्टि जो चीज दिखाई पड़ रही है वो अव्यक्त होने लगती है और उसके मूल कारण की ओर जहां भगवान की ओर जब खींचने लगते हैं इस सबको, तो उसे कहते हैं भगवान की माया है। क्या होता है उस समय, ये योग वासिष्ठ में भी मैं बता के आया हूं, काक भुसुंडी जी ने कहा कि तरह तरह से हमने प्रलय होती देखी है। छोटा सा रूप जैसे हमने केदारनाथ में देखा या और जगह देखा, जरा सा झटका, जरा सा झटका जोशी मठ में लग रहा है, नीचे जरा सी जमीन हिल रही है, एक छोटा सा अंश, हमको बुरा लग रहा है। कोरोना की महामारी लगातार 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ता, वर्षा नहीं होती, प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता बढ़ जाती है और तीनों लोगों को तपाने लगते हैं भगवान सूर्य देवता, तब वो भगवान की माया है। और उस समय शेषनाग संकर्षण के मुख से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं, वायु की प्रेरणा से पाताल लोक तक को जलाने लगती हैं और चारों ओर फैल जाती है, आग ही आग फैल जाती है, यह भी भगवान की माया है। ये भी कहा ऐसी भी प्रलय होती है कि जो देवता और इंद्र के जो ऐरावत के गण है संवर्तक नाम से मेघ गण जो है, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से जल पहने लगता है और सब जगह जल ही जल हो जाता है, सारा ब्रह्मांड जल में डूब जाता है, यह भी भगवान की माया है। तब क्या होता है, उस समय बिना ईंधन के से आग बुझ जाती है, विराट पुरुष ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, मतलब जो पंच महाभूतों की सृष्टि की रचना है वो उल्टी हो जाती है, पृथ्वी जल के रूप में हो जाती है, वायु जल के रस को खींच लेती है तो जल अपने कारण अग्नि बन जाता है, और यह सब भगवान की माया है। अंधकार अग्नि रूप जब छीन लेता है उसका तो आकाश में लीन हो जाता है, यह भी भगवान की माया है। उसके ऊपर फिर कहा काल रूप ईश्वर, काल आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे तामस अहंकार, अहंकार की अहम होने की जो स्थिति होती है वो लीन हो जाती है, और बुद्धि इंद्रियां राजस अहंकार में लीन होती हैं, मन सात्विक अहंकार के साथ अहंकार में प्रवेश कर जाता है, इसलिए तीनों प्रकार के तत्वों के साथ महत्वत्व में लीन हो जाता है, महत्वत्व प्रकृति में, प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है, यही सब भगवान की माया है। और जब सृष्टि करनी होती है तब इसको उल्टे रूप में वो सृष्टि करते हैं, तब सृष्टि करते हैं, ये भगवान की माया। कहने का अर्थ यह, ये तो होगी हमारे अंतरिक्ष जी ने जो कहा उसको, ये तो उन्होंने माया बता दी। अब इसको कैसे और जगह कहा, और ग्रंथों में भी कैसे कहा, जो चीज मेरी समझ में आ रही है वो मैं आपके सामने रखता हूं इसमें, कि योग वासिष्ठ में एक जगह लिखा, देखिए योग वासिष्ठ में क्या लिखा, भले श्वेता शूद्र उपनिषद की बात रखता हूं, श्वेता शूद्र उपनिषद का एक मंत्र मुझे याद आ रहा है इस समय, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, वहां श्वेता शूद्र उपनिषद, पुराण की बात नहीं कर रहा मैं, श्रुति की बात कर रहा हूं, वहां कहा कि प्रकृति को माया कहो, वहां पर तो ये कहा, अलग अलग शब्द है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, माया की तो प्रकृति बताओ, ब्रह्म सूत्र में जो मैंने शुरू में छोड़ा बात को, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः, लेकिन तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र का आधार कि भगवान है, ये संसार है, सब कुछ है, ये इसके कारण है, तो प्रकृति को कहा श्वेता शूद्र उपनिषद में कि प्रकृतिम तु मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, प्रकृति को माया समझो, और माइनम तू महेश्वरम, और जो माया जिसके अधीन है वो है महेश्वर परमात्मा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है,
मैं अभी इस योग वशिष्ठ चूंकि शुरू किया था मैंने, अब योग वशिष्ठ क्या कहता, योग वशिष्ठ की बात सुनेंगे तो आप सुन के ही रह जाएंगे। इसके प्रकरण को भी मैं सामने रखता हूं थोड़ा सा आपके सामने। उन्होंने ये कहा कि इति मायेव दुष्पारा चिशक्ति परिजृंभते, जो परम तत्व ब्रह्मा है उसकी जो चित्त शक्ति है, मैंने श्लोक बोला था श्रीमद् भागवत पुराण का जो महात्म्य है उसमें जब भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम किया मैंने मंगलाचरण बोला था, तो वहां लिखा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय लिखा, तो जो चित्त शक्ति है उसको योग वासिष्ठ कहते हैं कि ये यहां पर माया ही है। माया क्या है, भगवान की आदि और अंत रहित है, चित्त शक्ति है, माया के रूप में प्रकट होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कुछ इन्होंने योग वासिष्ठ वाले कहते हैं कि माया के स्वभाव को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका ज्ञान होते ही यह नष्ट हो जाती है और बड़ा सुख देती है। माया को आपने जान लिया कि यह माया है तो बड़ा सुख देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही। और ये कहा कि माया क्या है यह जाना नहीं जा सकता, जो मैंने प्रकरण किया अंतरिक्ष जी का पहले ही कह दिया अनिर्वचनीय है, तो विवेक को नष्ट कर देती है, जगत के भाव को उत्पन्न करती है, और जब तक यह जानी नहीं जाती तब तक सृष्टि करती रहती है, जब इसका ज्ञान हो जाता है तो यह नष्ट जाती है। मा या, मा नहीं या चो, बस। फिर कहा कि एक और बात कहते हैं, जैसे हम प्रकरण विचार कर रहे हैं ना माया क्या है, तो वो क्या कहते हैं योग वशिष्ठ वाले कि कैसे हुई, कहां से उत्पन्न हुई, इस प्रकार के विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। विचार यह होना चाहिए कि मैं इसे किसे कैसे नष्ट करूं, जब यह अस्त होकर क्षीण हो जाएगी तो इसका स्वरूप समझ में आ जाएगा, तब यह समझ में आ जाएगा कि यह कैसे आई, कहां से आई, नष्ट कैसे नष्ट हो जाती। वस्तुतः माया कोई वस्तु है ही नहीं, केवल दिखाई पड़ती। ध्यान दीजिए, योग वासिष्ठ इस बात पर आधारित है कि कल्पनावाद है, केवल मन की कल्पना ही है, सारी की सारी सृष्टि कुछ है ही नहीं, वो इस बात पर चलती है, इसलिए इस बात पर जोर दे रहे हैं। अधिकारी को उपदेश देने के लिए, शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए शब्द अर्थ और वाक्यों का भ्रम खड़ा किया गया। ये योग वासिष्ठ में श्लोक भी है मेरे पास, तो मैं हिंदी में अर्थ बता रहा हूं। कहते हैं ये शास्त्रों का सब भ्रम खड़ा कर दिया गया है, इसलिए उसमें फंसना नहीं चाहिए। यह सब बातें उपदेश के लिए रची गई हैं, इसलिए उसमें अज्ञानी जनों के लिए हैं, ज्ञानी लोगों के लिए नहीं है। आप जैसे सब ज्ञानी बैठे हुए उनके लिए ये सब बातें है ही नहीं। आत्मा में माया मोह कुछ नहीं है, परब्रह्म तो राग रहित है और जगत के रूप में स्थित है। जब आप ये जान जाते हैं, पहले भगवत धर्म के रूप में बताया कि सारे सारे संसार में उस भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं। एक और बात, श्रीमद् भागवत पुराण की विशेषता, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं लेकिन बहुत ही कमाल की चीज है, जब श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, मैंने महात्म्य का तो पहला श्लोक बताया, वो तो सच्चिदानंद रूपाय है, लेकिन जो पहला श्लोक है वो जन्माद्यस्य यतः से ही शुरू होता है। आचार्य अविनाश कृष्ण इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जन्माद्यस्य तो यन्वादितरतः चार्थेषु भिज्ञः स्वराट, और वो श्लोक खत्म कहां होता है, सत्यम परम धीमहि, जो हम धीमहि की बात करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात की बात करते हैं, तो पूरा ब्रह्म ज्ञान। ये तो एक विस्तार है अज्ञानी लोगों को, हम जैसे लोगों को समझाने के लिए, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वेद व्यासी जैसे ऋषियों ने, भगवान के अवतार ने ये सब ग्रंथ रच दिए। इनके अंदर देखेंगे तो घुमा फिरा के तरह तरह से वही बात कही, जन्माद्यस्य यतः, जिससे पूरे संसार का जन्म हुआ, जिससे ब्रह्मा का जन्म हुआ, और उसमें लिखा है उस श्लोक के अंदर कि कभी हमें जो है ये जमीन में पानी सा दिखाई पड़ने लगता है मृग तृष्णा के कारण, और कभी अग्नि में पानी सा दिखाई पड़ने लगता है, हमें सब ये संसार का सारा हम भ्रम में कहते हैं घूमते रहते हैं, और धामना येन सदा निरस्त कुहकम, जो भगवान का स्थान है वो तो बिल्कुल ही, यहाँ पर कोई
है, कोहरा है ही नहीं, बिल्कुल प्रकाश में है, ज्ञान में है, ऐसे भगवान के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में पहले मंगलाचरण में कहा सत्यम परम धीमहि, उस भगवान का नाम दिया सत्य, सत्ता वाला, और सत्य के साथ जब चित आ गया तो ये आ गई माया। यहां पर माया की बात आ गई इसमें पूरी के पूरी। अब इसमें अब बात थोड़े आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो माया की बात होगी, इसके लिए मैं आगे बढ़ाते हैं इसको कि भाई माया से पार जाने के उपाय क्या है। अभी आज पूरा हो जाएगा प्रकरण तो ठीक है, नहीं तो आगे के प्रकरण में लेंगे, लेकिन इसे बढ़ाते हैं थोड़ा सा बात आगे बढ़े। एक बात और याद आती है, यहां पर कहा कि स्थिति और सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों चीजें होती है माया के कारण। तो दुर्गा सप्तशती का एक मुझे प्रकरण याद आता है, जिसमें पहले ही प्रकरण में जब बनाने लगे तो कहा विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम स्थिति संघार कारणीम, वहां पर भी स्थिति संघार को बनाने वाले और उद्भव को बनाने वाली बात कही। देखिए एक बात और याद आ रही है, अपना अपना दृष्टिकोण लेखक का क्या, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना कि जो वक्ता है उसका एक अपना दृष्टिकोण होता है विषय के लिए, ऐसे एक लेखक का भी दृष्टिकोण होता है। रामचरितमानस दुर्भाग्यवश बड़े खराब प्रकरण में इसमें उसकी चर्चा चल रही है, रामचरितमानस का जो बालकांड का जो मंगलाचरण है उसमें राम के लिए तो जो कहा कहा, सीता के लिए क्या कहा, सीता के लिए स्वामी तुलसीदास ने जो श्लोक लिखा वो इस चित शक्ति के रूप में ही लिखा, उद्भव स्थिति संघार कारणी क्लेश हारणी श्रेयस क्रीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। तुलसीदास जी राम को ब्रह्म मानते थे और सीता जी को कहा कि उद्भव स्थिति संघार कारणी, जो सृष्टि करने वाली है, स्थिति करने वाली है, संघार करने वाली है, क्लेशों को दूर करने वाली है, सारा कल्याण करने वाली है, सर्वश्रेय श्रीम सीताम, ऐसी सीता को मैं नमस्कार करता हूं। तो सी राम में सब जग जानी जब कहते हैं तो माया और ब्रह्म की बात भी करते हैं, प्रकृति और ब्रह्म की बात करते हैं, सत और चित शक्ति की बात करते हैं, वहां पर यह बात कही। चलिए अब इतनी बात सुन के अंतरिक्ष की राजा ने एक और प्रश्न किया, राजा निमि, राजा निमि ने यह प्रश्न किया, यथेताम ईश्वरी मायाम दुस्तराम अकृतात्म भी तरत्यंज स्थूल धियो महर्ष इदम उच्यताम। इसका अर्थ ये हुआ, यह महर्षि आपने तो कह दिया माया तो अनिर्वचनीय है और ये सब बता भी दिया, तो माया का पार करना हम जैसे लोगों के लिए जिनके मन वश में नहीं है, स्थूल लोगों के लिए बड़ा कठिन है, कैसे पार होगा मन जो है। अब आप करके ये बताइए कृपा करके, इस शरीर आदि में जिनकी आत्मबुद्धि है, जो हम साधारण लोग हैं, जो देहाभिमानी है, जिनकी समझ मोटी है, वो अनायास इसे कैसे पार कर सकते हैं। अब आती है बात, इसमें महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने क्या कहा, पार करने के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा देखो, थोड़ा भी समय है मेरे पास 5 मिनट, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं इसको, कि हे राजन ये सब बातें आपको लगेंगी जैसे सुनी हुई हैं प्रकारांतर से, है क्या जो मैं बार बार कहता हूं कि मेरी जो समझ में आता है शास्त्र पढ़ के, कि उस तत्व की बात को पहुंचने के लिए हमारे इस संसार के नश्वर संबंध को हटाने के लिए हमारे वैदिक सनातन धर्म के ग्रंथ तरह तरह से उसी बात को कहते हैं। वही बात देखिए आप क्या कहते हैं यहां पर, उन्होंने कहा हे राजन स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों से बंधे हुए संसार के लोग सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते, करते ही हम लोग, हमें सुख कैसे मिले और दुख कैसे मिले ये अलग बात है कि हम सुख किसको समझते हैं, दुख किसको समझते हैं। जो हम जैसे अज्ञानी हैं वो सुख समझते हैं कि धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, यश हो, कीर्ति हो, सत्ता हो, उसके लिए हम प्रयास करते हैं।
और उसके लिए जो हमें कष्ट आते हैं उसके लिए प्रयास नहीं कर, उसमें कष्ट के लिए निवृत्ति में भाई इनके कैसे कैसे बाधाएं जो उनको दूर करें हैं। लेकिन आप जैसे जितने विद्वान प्रबुद्ध हैं वो जानते हैं कि सुख दुख क्या है, सुख तो हमारे भगवान की प्राप्ति करना है, उसी में हम लगे रहते हैं। तो कहते हैं जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको पहले विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है, कि हम कर्म ऐसे कौन से करते हैं जिसका फल हमको विपरीत मिलता है, क्यों हम सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख के बदले दुख और बढ़ता जाता, दुख हम निवृत्ति करना चाहते हैं और दुख हमारा और बढ़ता जाता। अब वहां पर एक धन का उदाहरण दिया है, यहां पर ये हमारे जो ऋषि है योगेश्वर है उनका नाम है प्रबुद्ध, ये मैं भूल गया था बताना कि पहले तो कवि हुए फिर हरि हुए अंतरिक्ष हुए, ये चौथे योगेश्वर है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध तो प्रबुद्ध ने ये कहा कि धन का उदाहरण ले लो। धन का उदाहरण क्या है कि दिन पर दिन धन हम बढ़ाने देते हैं, जैसे जैसे हम धन बढ़ता है हमें दुख बढ़ता जाता है, वो ये कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए धन से हमें सुख मिलना चाहिए, सुख तो मिलता ही है, लेकिन उसको धन को रखने के लिए, उसको कमाने के लिए, उसे दूसरे लोग न ले जाए छीन के लिए, उसे हमारा दुख मिलता है, और फिर इसको पाना भी कठिन है और किसी प्रकार मिल जाए तो ये आत्मा के लिए तो मृत्यु स्वरूप है, ये लिखा यहां पर। वाह, इसमें ये लिखा कि नित्यार्थेन वित्तेन दुर्बलेन आत्ममृत्युना। धन को तो प्रबुद्ध जी ने कहा कि धन मिल जाना समझ लो आत्ममृत्यु है, आपके लिए जिस तत्व जिस मार्ग पे चलना चाहते हैं उसके लिए मृत्यु के बराबर है। क्यों? कि आदमी उलझनों में पड़ जाता, अपने आप को भूल जाता, घर इसी प्रकार स्वजन पुत्र स्वजन संबंधी पशु धन आदि भी अनित्य और नाशवान है, यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो उससे उसे सुख शांति नहीं मिल जाती। जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी नाशवान है। हम बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, हम इष्टापूर्ति कर्म करते हैं, तो क्षीणे पुण्ये मर्ति लोकम विशन्ति गीता कहती है। तो हमारे जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो हम अच्छे लोगों को भी प्राप्त हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे लोगों की अच्छी सबकी प्राप्ति हो जाए, तो भी वो नाशवान। इसको ये कहा, ये मैंने कहा इसमें कि प्लवा ये थे अदृढ़ा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूप जो नावें हैं उन्हें अदृढ़ रूप कहा, बहुत कमजोर नाव है। गीता में कहा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, तो यज्ञ के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। तो यहां पर ये कह दिया उन्होंने कि इस लोक के समान हो सकता है हम 50-60 साल जिए, वो 100-200 साल के लिए 500 साल के लिए हो, तो वहां भी क्या होता है, इसमें लिखा प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि वहां भी होड़ लगी रहती है, अधिक ऐश्वर्य कौन है, ईर्ष्यादेश का भाव भी रहता है, कर्मों का फल पूरा होने पर उनका पतन होता है, और जब पतन होता है उसका नाश निश्चित होता है, नाश का भय भी वहां पर नहीं छूट जाता। तो आज की बात को मैं यहां समाप्त करने से पहले केवल ये कहूंगा कि जो पहले भी बता चुके हैं विवेक चूड़ामणि के समय या मुंडक उपनिषद के समय, हमको इस एक गुरु की शरण लेनी चाहिए। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। हम जिज्ञासु अगर हैं, श्रेय मार्ग को हमें जाना है, माया को पार करना है, तो हमें गुरु को जाना चाहिए। मुंडक उपनिषद इसी के लिए कहती है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अवगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसको जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के है, उसके गुरु के पास जाए। विवेक चूड़ामणि में भी बाद में यही बात कही गई कि आप गुरु के पास जाइए, और जब गुरु की शरण ले लेने चाहिए तब क्या होता है उसके बाद में अगले प्रकरण में इसमें और क्या चीजें बताई हैं माया को पार जाने के लिए, वो अगले वक्तव्य में आपके समक्ष में रखूंगा। जो मेरी समझ में आया, जो मुझे ठीक लगा, जो मैंने अब वो आपके सामने रखा, मैं अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब, आज आपने
राजा नेमी और नौगेश्वर संवाद भाग चार लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ और फिर जिस किसी की और कोई जिज्ञासा प्रश्न बनता है तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में आदरणीय नेता तो सब बोलेंगे। ये मैंने सबको अनम्यूट कर देता। आदरणीय पांडे साहब, आपने क्या गुरु के पास जाना चाहिए, अब आज के समय में गुरु को कैसे ढूंढे? तो शास्त्र में जो लिखा है वो तो ठीक है, नहीं तो अपने भगवान का ध्यान करो, अपने आप ही गुरु मिलवा देगा। आपको आपने आपने सदगुरुदेव को नहीं देखा तो भी आपको गाइड कर रहे हैं। नहीं, मेरा मानना गुरु मीन्स, गुरु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु है। आज हमें आपकी कोई बात अच्छी लग रही तो अभी हमारे गुरु हो गए, नैब साहब के लगे, नैब साहब की हो गई। मतलब अंधकार से जिसने भी हमें प्रकाश की तरफ को ले जाने का प्रयास किया, कभी कभी हमारी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, अभी तो गुरु तो कोई भी हो सकता है। अब ये एक जो माया वर्ड है, अगर किसी की पत्नी का नाम मतलब माया ही हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मायावती। चलिए साहब, कोई प्रश्न नहीं बनना, मैं कैसा, आपने इतना अच्छा समझा दिया है। पांडे जी नहीं है जी। मैं कहा प्रभु जी, प्रभु ऋषि जी को माया के, माया से पार जाने के उत्तर में इन्होंने गुरु के बारे में बोला, आपने तो दूसरा कोई ये इसमें लिखा, ये मैं बताऊंगा आगे इसमें अगले में क्या लिखा है, गुरु कौन है। ये लिखा आपने, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम जिज्ञासु गुरु के पास जाए। उसके अगले श्लोक जो है उसमें लिखा है कौन सा, कौन गुरु होता है, लक्षण बताए, मैं अगली बार बताऊंगा। चलिए आदरणीय नाथ साहब, ये गुरु 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 का, गुरु का ही एक बुरा सब्जेक्ट है। आप एक दिन ये सब्जेक्ट ही ले लीजिए, क्योंकि गुरु का है तो कई बार बात हुई है, गुरु बहुत बार ये बोलते हुए खुद ही अपने गुरु अंदर अंतरात्मा ही गुरु है आपकी, वहीं से सब कुछ आया। देखिए मैं भी चूंकि उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, भगवान को मंजूर नहीं है, तो मैं भी यही कह के टाल जाता हूं। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु तो कोई ना कोई मिलता ही होगा जरूर, जैसे लोग आगे इतने भी लोग बढ़े हैं तो गुरु की शरण में तो गई। लेकिन गिनती चुनती के लोग हैं जो ऊपर, इसका मतलब मोक्ष बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि गिनती चुनती के लोगों के पास ही तो गुरु हैं। आप जो उसमें आप कर सकते हैं, जो हम जैसे के लिए जो परमात्मा को बैठे हुए गुरु मान लेता है, जो आत्मा को गुरु मान लेता है, अपने आत्मा में अपने कोई गुरु मानता है, अपने इष्ट को मान लेता है, तो गुरु देवतात्मा, तीन तरह की बात शब्द आती है, गुरु देवता और आत्मा। जो मैंने कहा था एक बार श्वेताश्वतर उपनिषद के बताते हुए, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथा यर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो वहां पर तीन शब्द आए, देवता, गुरु और आत्मा। तो वो बात सही है, और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज होगी, क्योंकि ऐसे उदाहरण भी हैं, दत्तात्रेय कहते हैं मैं 24 गुरु हूं मेरे। तो जो जिससे सीख ले। मुख्य बात क्या आती है मेरे ऋषियों में, जो मैं जहां अटका हुआ हूं उतारने पे, हमने उतारा ही नहीं, मेरे अंदर तो उतारने की, जब उतार लेंगे तो ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी, सब कुछ अपना सामने आ जाएगा, ऐसा लगता है। समस्या है ही नहीं, कोई कोई समस्या ही नहीं है, चल रहा है संसार, चल रहा है, आनंद ही आनंद है। पांडे साहब जी, क्या ये मान के चले कि किसी व्यक्ति का गुरु भी पहले से डिसाइडेड है? मतलब क्योंकि जैसे अगर देखा जाए कि स्वामी दयानंद जी का गुरु ब्रजानंद जी रहे, जब वो पूछते बोले कौन, मैं ये तो पूछा। आपकी बात का उत्तर में सिर्फ इतना अपनी बुद्धि से दे सकता हूं। एक मिनट, और ऐसे ही स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने ढूंढ लिया, शिवाजी के रामदास हो गए। तो मेरा कहना था कि कहीं, क्योंकि एक और भी चीज है, आज के समय में अगर किसी ने गुरु नहीं माना तो अपने को निगुरा समझता है। मतलब अब यहाँ एक बार, कई बार ये चीज आ जाती है कि कहीं गुरु बना ली यार कोई, इसको बाद में चल के दिक्कत हुई तो फिर बड़ा डगमगा जाता है आदमी, बड़ा जैसे कहते हैं पानी पिए छान के गुरु बनाए। बिल्कुल 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 आपकी बात सही है। जो मेरी बुद्धि इस समय कहती है, गुरु बनाना हम सब लोग की कैटेगरी अलग अलग है,
श्रेणी, जिन लोगों का आपने नाम लिया, विवेकानंद जी का या और का, या मुझे ये क्या कहते हैं इसमें, ये नहीं नहीं ये जो योगी परमहंस के जो हमारे लाहिड़ी थे, अवतार बाबा मिले, कह रहे थे मुझे याद है, उन्होंने तो ये तक कहा उसमें, अरविंद जी यदि वो किताब पढ़ी हो और ऑटोबायोग्राफी होगी, कि देख वो देख तू गुफा देख, वहां तेरा आसन और तेरी माला पड़ी हुई है अल्मोड़ा में, तू मुझे भूल गया, ये देख मैं नहीं भूला हूं तुझे, मैं ढूंढ रहा हूं तुझको। तो ये तो हुई उच्च श्रेणी के सिद्धों की बात। साधारण लोग जो है उनको तो गुरु, साधारण हम जैसे लोगों के लिए, जब मैं हूं तो मुझे तो कोई ना कोई सहारा लेना ही चाहिए। अब इतनी बुद्धि दे दी, पिताजी ने कह दिया कोई जरूरत नहीं है गुरु गुरु के चक्कर में पड़ने की, अपने आत्मा को देखो, अपने को ठीक करो, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। तो भाई ठीक है, उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया था मेरे पिताजी ने, हमने भी नहीं बनाया कोई गुरु। अब मैं शास्त्र कहते हैं कि गुरु होना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं जब था तकरीबन 18-20-22 साल की उम्र में, मैंने ऐसे स्थिति में अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी, शायद पहले भी प्रकरण बताया था, तो मैंने कहा ये आगे व्हाट नेक्स्ट, ऐसी स्टेज में पहुंच गया था, तो मैं पिताजी को पूरा व्याख्या की व्हाट नेक्स्ट, तो उन्होंने मुझे पोस्ट कार्ड पे जवाब दिया था, सन ऑफ ए ब्राह्मण हैज रीच्ड दिस स्टेज, ही हु हैज लेड टू दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट विल लीड यू अगेन, विल गाइड यू अगेन, बस खत्म, मामला खत्म। जो आपको जिसने आज तक गाइड किया वो आगे, वो भी आगे भी वही गाइड करेगा। तो सभी बातें ढूंढता भी है आदमी और गुरु भी ढूंढता है, और जो अपना प्रारब्ध है उसके अनुसार हमारे अपने कर्म, अपनी श्रेणी, अपनी योग्यता, उसके अनुसार सब फल मिलता है, ऐसा लगता है मुझे। चलिए सर, ये अविनाश कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे थे सर। आचार्य अविनाश कृष्ण जी जरूर सुनिए दो बात, ये तो सिद्ध आदमी है, ये तो सब चीजों को जानते हैं बिल्कुल। आचार्य जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रारब्ध के अनुसार आवाज नहीं आ रही आपके, आ रही अभी, बोलिए आचार्य जी बोलिए। आवाज आ रही है, आ रही है। प्रानुकूल स्थिति ही मिलती है, इससे गुरु भी किस प्रकार से मिल सकता है, ये सिद्ध पुरुषों की बात हो सकती है, और जो आज का वक्तव्य रहा वो तो आपने जो है माया के संबंध में इतना विस्तृत दिया है, माया को शाब्दिक अर्थ से भी समझाया, मा जो नहीं है जो है, गीता में भी कहा है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरत्यते। माया के संबंध में ये वेदांत में अज्ञान कह दिया ऐसे, और जैसे ही ज्ञान आ गया अज्ञान समाप्त, अध्यारोप अवसाद के अनुसार पूरा। जैसे आज आज का क्लास जैसे इतना अच्छा लगा कि सारे ये दर्शनों का और उपनिषदों का निचोड़ रहा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत प्रिय रहा, मुझे तो बहुत प्रिय लगा ये। और मैं जरा बोल दूं, जो है अरविंद शर्मा जी की जो है अगर जो है आज्ञा हो तो मैं आज के वक्तव्य के बारे में बोल दूं कुछ, क्या? अरे सब। हाँ, तो आज का जो वक्तव्य किया कि जहां तक जो है ये हमारा महाभारत है उसके 66वें अध्याय में भी संभव पर्व में ये दिया गया है, और भागवत पुराण के 9वें स्कंद में सारे वंशजों का उल्लेख किया गया है, और उसको जो है आर एन पांडे साहब ने बहुत ही डिटेल से सुनाया है। दशरथ भी जैसे दो हुए हैं, दशरथ से बहुत पहले ये हमारे जो है हरिश्चंद्र वगैरह हुए, सारी को जो है मैंने भी वैसे पढ़ा है। इसके अलावा जो जो माया के संबंध में बताया कि माँ नहीं है, नहीं है जो प्रतीत होती है, और ब्रह्म सूत्र में भी, ब्रह्म सूत्र में किसकी जानने की इच्छा की गई, ब्रह्म की जानने की इच्छा की गई, कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जानना क्या चाहता हूँ, ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे सूत्र में तुरंत कह दिया उन्होंने
जन्माद यस्सी यतः, पंचमी व्यक्ति से कह दिया यतः, जिससे जन्म आद, जिससे सारी सृष्टि है। लेकिन सृष्टि किससे है? अब इसमें सांख्य दर्शन में पूरी चीज से बता दिया कि सांख्य किससे है, प्रकृति और पुरुष से। वहां पर प्रकृति को ही माया बता दिया गया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभौपि विकारांश गुणांश विद्य प्रकृति संभव, प्रकृति को कह दिया है। वैसे जो है पांडे साहब ने भी प्रकृति को माया बताया है, किसी दूसरे ग्रंथ के संदर्भ में प्रकृति को वहां भी कह दिया। तो ये जो है आज का विषय जो है ये तो ऐसा है कि इस पर तो आर्यन पांडे साहब जैसे तो मेरे ख्याल से जो है देते ने तो भी ये खत्म नहीं होगा। वेदांत भरा पड़ा है पूरा, दर्शन भरा पड़ा है कि कैसे जो है, और जो है मां स्पर्श रूप ये, उसके बाद फिर पांचों महाभूत है, और वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। मृत्यु क्या है? जब किसी की जाए पूरा जाए, अदरवाइज जो है भी मृत्यु नहीं है वास्तव में। ये एक तरफ मृत्यु है शरीर का, मृत्यु तो सिर्फ। तो आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छा रहा, और आर्य पांडे साहब को मैं जो है बहुत जो है प्रणाम करता हूँ। वैसे भी यह बहुत ज्ञानी पुरुष हैं ये, और मैं बहुत अच्छा आज का जो है मुझे ये लगा है। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इस पर जितना बोला जाए उतना ही चलिए आदरणीय नायब साहब, नायब साहब साउंड बंद है आपका, म्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा नायब साहब। लगता है नशा को चले गए, माया मिले न राम, माया मिले न राम, दोनों गए माया मिली न राम, दोनों तो माया खोजने के चक्कर में लगे रहते हैं। चलिए राम आदे नैप साहब आ जाओ, दर्शन दो, धन्यवाद। साउंड बंद है सर, चाहता था कि आज का आपका जो भी प्रभु उद्बोधन है उसके ऊपर लास्ट में जो कमेंट्स हुए जो भी करें वो आचार्य जी करें। अरविंद जी ने मेरा नाम ले लिया तो मुझे लगा अरे फिर क्या बात है, होना वही चाहिए। और अंततः जो है आचार्य जी ने पूरी बात कह दी, उसमें कुछ भी जोड़ने घटाने वाली बात नहीं। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा, आज दो चीजें, एक तो आपने माया के शाब्दिक अर्थ दिया, माया माँ ठगनी हम जानी है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक आपने ब्रह्म के बारे में बताया कि वो नपुंसक लिंग है, ये वाकई में हम लोग को नहीं पता था। लेकिन आज एक आपसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि जहां आपने कहा कि मैं प्रबुद्ध नाम बताना भूल गया था, उसके बाद से आप मुझे लगता है कहीं somehow you are lost। वो आप अगली जब कक्षा लें, मतलब उसके बाद मुझे लगा जो आप चीज बताना चाह रहे थे वो नहीं बता पाए। आज से आपके, मैं तो आपको सुनता हूँ, बड़े ध्यान से सुनता हूँ, उसके पहले आप पूरी अपनी लय में जा रहे हो, जो आपका तरीका है कि इधर बताते उधर वो याद आ गया, वो नहीं, जिसमें बहुत ज्ञान भरा होता है ना और बहुत चीजें पता होती है, चाहे तो सब कुछ उड़ेल दे। और ये 40-50 मिनट आपके लिए वाकई में बहुत शॉर्ट टाइम है, आपको तो कंटिन्यूस एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारी क्लासेस लेनी चाहिए। जहां आपने कहा मैं बताना भूल गया था प्रबुद्ध का, उसके बाद से फिर आप थोड़े से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी शायद इस चीज को समझ रहे होंगे, समहाउ यू वर अ लिटिल बिट डिरेल्ड। तो मैं कह रही अरे ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या चीजें बताते बताते आपने एक चीज का, आपने बताया कि उसमें स्वर्ग का भी वो भी नाशवान है, वो बताते हुए फिर आप कहीं से भटक गए। तो आज वहां पे मुझे लगा कि आपको वहीं से दोबारा शुरू करना चाहिए अगले ज्ञान में। बाकी तो सर आपके, मतलब हम लोग तो हैं ही आपके मुरीद आपके ज्ञान के, और
जिसमें इतना ज्ञान भरा हो वो तो स्वयं अपने आप में गुरु है। आत्म किसे अहम ब्रह्मास्मि है, तो आप में क्षमता गुरु बनने की भी है और स्वयं का गुरु बनने की भी, और हम लोग को भी ज्ञान देने की। माया तो तभी समाप्त होती है जब, माया तो अंधकार है ना सर, वो तो अंधकार में सांप है बस, वो रस्सी के सांप समझे बैठे हैं वही माया है। और जहां वो गया गुरु का, जैसे उन्होंने अरविंद जी ने कहा कि गुरु का प्रकाश जो अंधकार को समाप्त कर दे, तो जहां वो प्रकाश आलोकित हुआ माया समाप्त हो जाती है। और जो चौधरी सर जिस माया की बात कर रहे थे वो तो वहां से कहीं मायने नहीं रखती। और आज एक बात आपसे और हमने सीखी, आपने पता नहीं अक्वार किया या नहीं किया, जब ये सब आपने उद्बोधन दे दिया उसके बाद जब विचार विमर्श चल रहा था, दो ऐसे शब्द आए या दो ऐसे प्रश्न आए जिनमें यू रिमेन टाइट लिप्ड, टोटली टाइट लिप्ड, आपने बिल्कुल अपने होठ सी लिए, आप कुछ नहीं बोले। अरविंद जी के जहां उन्होंने मायावती की बात की कुछ नहीं बोले, ऐसे ही गुरु की बात पे ऋषि साहब ने बोली, वहां आपने एक मतलब मुंह से हाँ हूं ऊं तक नहीं किया। ये सब सबसे बड़ी ज्ञान की बात है, कहां पे हमको चुप रहना है। आदमी को बोलना बहुत आता है, मैं भी देखिए बोलता चला जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, कहाँ पे हमको नहीं बोलना है, ये जो सिखा दे उससे बड़ा गुरु कौन नहीं हो सकता। तो आज ये दो चीजें हमने भी सीखी, बिल्कुल टाइट क्लिप, चलिए कोई बात नहीं, आपने जो कहना कह लो, मैं तो कुछ नहीं बोलता। आपके आज के उद्बोधन के लिए, आपके जो जेस्चर्स के लिए और आपका ये जो आपके ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय नयन कैनप साहब, धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और तीन बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार बहुत छोटा, जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठो, जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। हाँ, मिल गया, बदल गया। अच्छा, क्या बात। जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया, सब माया है। सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कैसे में देखो, वो हल्के फुल्के ढंग में माया बोली गई थी, पत्नी का नाम ऐसा नहीं था उसमें, मुझे भी मालूम था, पांडे साहब को भी मालूम था, ऐसा नहीं था, व्यक्ति विशेष का नाम हम नहीं कभी लेते, सिर्फ अपनी वो था। और हो सकता है कि अगर पत्नी का नाम वास्तव में माया हो तो बहुत कुछ सिखा भी सकती है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो नाम हुआ करते थे वो बड़े नाम इसी में हुआ करते थे, क्यों राम है या कोई और चीज होते, ताकि बार बार उसका नाम ले हम लोग। चलिए, आजकल यूट्यूब पे एक और नाम बड़ा प्रचलित हो रहा है, सेम अरविंद के आगे माया राम चल रहा है, उस पर बड़ा चल रहा है, वो सब तो चलता है उसका, उस चीज से लेने देना नहीं। मैं तो ये बता रहा था कि कहाँ पे आदमी को चुप रहना कहाँ रहे, ये हमने आज सीखा। देखिए, साइलेंस और स्माइल बोथ आर द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। स्माइल भी आती है आपको, yes, sir. आपका तो दोनों चीजें आपके पास, तो नैब साहब तो बिल्कुल साक्षात हैं इसमें। आप लोग बड़े भाई हैं सर। चलिए, ये ओम का उच्चारण करते हैं। चलिए सर, ओम का उच्चारण करें। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति शांतिरेव शांति।